तीन सहाफी, तीन आसमा शिराजी ने इस्तीफा दे दिया है कबूतर चैनल से भी खबरें ले आया है आई जी इस्लामा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है उन्होंने जनाब पी टी आई ऐसी लहदगी का ऐलान कर दिया एक खबर आई अमरीका के सबक सफी पाकिस्तान में काम करने वाली एक सहाफी उनके साथ बताया गया है उनके गैर इज्दवाजी तालुकात थे असल नाज़िन मैं मंसूर अली खान अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा नाज़िन इस वीडियो के अंदर तीन सहाफ़ी तीन कहानियाँ वो तीन औरतें तीन कहानियाँ तो आपने काफ़ी सुना होगा यहाँ पे तीन सहाफी तीन कहानियाँ आपके साथ शेयर करनी है एंकर पर्सन आसमा शराजी ने इस्तीफ़ा दे दिया है कल रात को ये डेवेलपमेंट हुई है ये इस्तीफ़ा क्यों दिया गया है वजह क्या बनी पसे पर्दा क्या खबरें हैं कबूतर चैनल से भी खबरें ले आया है और इसके साथ साथ मैंने पिछली वीडियो में बोल न्यूज़ के हवाले से कुछ अपडेट्स दी थी तो हमें कुछ मज़ीद अपडेट्स मिली हैं उस सिलसिले में तो वो भी आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे कुछ और इन साइड डिटेल्स जो शायद बोल के अपने लोगों को भी ना पता हो वो हम थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तो इसके साथ साथ एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर एक अमरीकी सफ़ीर के हवाले से भी आपके साथ शेयर करनी है आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल अगर आपको पसंद आया करे वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए इससे हमारी बहुत हेल्प होती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अब हम लोग 44 परसेंट तक अपने टारगेट पे पहुंच चुके हैं सात लाख चवालीस हज़ार सब्सक्राइबर तक पहुँच चुके हैं आठ लाख तक हमने पहुंचना है तो आ, मुझे अक्सर मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे कई लोगों ने फोन किया उन्होंने कहा भाईजान वो मुझे बताते हैं कहते हैं हमने तो आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं ना चार होर भी कराए थे तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया उनका चार दफा शुक्रिया या पाँच दफ़ा शुक्रिया जो उतनी दफ़ा जो है बाकी लोगों से भी करवाते हैं इट मीन्स ए लॉट टू मी मजाक अपनी जगह लेकिन मीन्स ए लॉट टू मी आप ऐसा प्यार जो है वो हमें देते हैं थैंक यू सो मच और फीडबैक भी दिया करें कॉमेंट सेक्शन के अंदर जो है प्लीज़ कॉमेंट्स भी ज़रूर किया करें चले जना आप ख़बरें ज़रा जल्दी से शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा खबरें सबसे पहले मैं ज़रा बोल के बारे में ख़बर दे दूँ क्योंकि वो पिछली वीडियो के अंदर हमने उसका जिक्र किया था कि बोल का असल मालिक कौन है तो मुझसे जो है वो बड़ी एक इंटरनल सोर्स ने बोल की मुझसे रबता किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी आ, ये बोल जो है ये टोटल इसके जो ओनरशिप है वो आ, शेरियार चिश्ती साहब हैं ये उनके पास ही है उनके भाई जो हैं वो आ, जो आप वो गालबन एक जर्नलिस्ट थे उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि जी वो चेयरमैन और सीईओ हैं तो उन्होंने कहा नहीं वो चेयरमैन और सी यू वही हैं शेरियार चिश्ती साहब ही जो हैं वो ओनर हैं अब बोल के नए ये वही चेज शेरिया चिश्ती हैं जो डेबू के भी ओनर हैं और मुझे कुछ मजीद डिटेल्स पता लगी कि ये शेरिया चिश्ती साहब जो हैं ये डेबू के अलावा थर कोल के अंदर भी इनकी इन्वॉलमेंट है के इलेक्ट्रिक के अंदर भी इनकी इन्वॉलमेंट है और लिबर्टी एनर्जी गलबन ये नाम है अगर मैं इसको गलत नहीं बोल रहा इसके अंदर भी इनकी इन्वॉलमेंट है मुख्तलिफ मतलब शेयर्स के परसेंटेज़ हैं इनके इन प्रोजेक्ट्स के अंदर तो ये मुझे पता लगा आ, मुझे उन्होंने आ, मुझे मेरी सोर्स ने तस्दीक की कि जनाब पॉलिसी के हवाले से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है पॉलिसी जो है वो हम एक मेजर शिफ्ट लाने लगे हैं और जो पिछली इंतज़ामिया जिस पॉलिसी पे चल रही थी वो अब किसी सूरत आगे नहीं चलेगी हम इसमें एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट लाने लगे हैं दूसरा मुझे ये बताया गया कि आ, आने वाले चंद दिनों के अंदर ही एग्जैक्ट डेट मैं बता नहीं सकता क्योंकि उन्होंने अब तक फैसला नहीं किया इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट भी होने जा रही है तो उन्होंने कहा जी आपने खबर पहले ही दे दी ये सारी जो मैं कह कबूतर अगर हमारे पास खबर ले आए तो खबर रुकेगी तो नहीं ना हमें तो देनी पड़ेगी तो उन्होंने कहा हम बहरहाल इसकी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आइंदा चंद दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हम करने जा रहे हैं जिसमें हम इसको ऑफिशियली अनाउंस भी करेंगे दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि जी मोस्ट प्रॉबली एंकरों के अंदर भी बहुत सी तब्दीली आएगी एंकर्स भी जो हैं वो चैनल के अंदर शायद तब्दील होंगे अब मुझे नहीं पता सारे होंगे या कौन से होंगे ये मुझे नहीं पता ये उनका फैसला है वो किसको चेंज करना चाहें किसको ना चेंज करना चाहें तीसरा कराची से लाहौर हेड ऑफिस शिफ्ट करने के हवाले से भी जो है वो इंतज़ामिया के जेन में ये बात है कि लाहौर में वो चाहते ज़रूर हैं कि इसका हेड ऑफिस जहाँ शिफ्ट किया जाए लेकिन इसकी लॉजिस्टिक्स वगैरह और इन चीज़ों को अभी वो देख रहे हैं कि क्या ये फिजबल हो सकेगा कि ये सारा कुछ जो है लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए ये अभी अंडर प्रोसेस जो है वो ये चीज़ चल रही है तो आ, ये डिटेल्स जो है आ, जो है वो सामने आई हैं बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो वैसे की वैसी है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी अच्छा जी ये तो हो गया एक चैनल का मामला दूसरा एक और ख़बर जो मैंने आ, आ, कहा था आपको सहाफ़ियों के हवाले से आसमा शराजी साहबा ने जो है वो कल इस्तीफ़ा दे दिया है आज टी वी के अंदर उन्होंने काम किया है Uh, मेरी uh, कल रात को एक्चुअली आसमा साहिबा से मेरी uh, फ़ोन के ऊपर बात हुई मैंने इस खबर की तस्दीक करनी थी uh, खबर हमारे पास आ गई थी तो मैंने तस्दीक करने के लिए उनको फ़ोन किया शी वॉज़ वेरी ग्रेशियस उन्होंने कहा कि जी मैंने ये हकीकत है मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है मैंने नोटिस पीरियड दिया है जो तरीक़ाकार होता है तो मैंने नोटिस पीरियड दे दिया है और uh, uh, उन्होंने मुझे बताया कि सात साल उन्होंने आज टी वी के साथ जो है वो मुझे बड़ा एक लंबा अरसा होता है सात साल वो वहाँ पर रहेंगे मेरी इतलात के मुताबिक ये बात उन्होंने नहीं कही मैं खुद आपको बता रहा हूँ मेरी इतलात के मुताबिक आज के अंदर जो है थोड़े से फाइनेंशियल इशूज़ भी चल रहे हैं सैलरी जो हैं बहुत लेट हो गई हैं वहाँ पर दीगर लोगों की भी तो दिस कुड बी अ रीज़न ये मैंने पूछा नहीं लेकिन दिस कुड बी अ रीज़न के जिसकी वजह से आसमा साहबा ने जो है वो आज टी से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है इसके अलावा अब वो कहाँ जा रही हैं जारी बात है आपका अगला सवाल ये होगा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने अभी तक ये फाइनली किया मेरा कबूतर मुझे बता रहा है कि तीन चैनलों तीन चैनल्स तो कम से कम उसके आसमा शराजी साहिबा को लेने में इंटरेस्टेड है यह मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ तीन मुख्तलफ चैनल्स तो अब वो तीन चैनल कौन से हैं मेरा ख्याल में अगर मैं नाम ले दूँगा तो फिर डील कहीं ख़राब ना हो जाए तो एम ही बिलावजा क्यों अगले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है लेकिन मैं तीन चैनल्स तो कन्फर्म कर सकता हूँ कि जहाँ पे आसमा शराजी साहिबा को लेने के लिए अभी से नहीं पिछले कई हफ्तों बल्कि महीनों से जो है वो ये काम चल रहा था तो अब देखें ये उनका फैसला उनका करियर है वो क्या फैसला करती है अभी तक उनके मुताबिक उन्होंने अभी ये फैसला नहीं किया कि उन्होंने जाना किधर है लेट्स सी ही शी गोस अच्छा जी इसके अलावा एक और ख़बर भी हमने डिस्कस की थी हमने आपको बताया था कि एक एंकर पर्सन ने इस्तीफा दे दिया इस्तीफा नहीं दिया था बल्कि एक्चुअली उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था हरमीत सिंह जो पब्लिक न्यूज़ में काम कर रहे थे हरमीत सिंह ने बेसिकली ट्वीट किया था शाजिया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है उनके हवाले से एक फ़ेक न्यूज़ उन्होंने ट्वीट की थी कि जी उनके घर से सत्तानवे अरब रुपया जो है वो मिल गया तो उसके ऊपर इनको लीगल नोटिस भेजा गया था जिसके बाद चैनल की इंतज़ामिया ने हरमीत सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया उसके बाद हरमीत सिंह ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी अब खोल लिया लेकिन शाजिया मरी साहबा ने कल शाम को एक आ, आ, वीडियो बयान अपना जारी किया। एक हफ्ता कबल एक निजी चैनल के रिपोर्टर ने अपने ट्विटर के ऊपर मेरे हवाले से एक झूठी और बेबुनियाद खबर पोस्ट की मैंने इस फेक न्यूज के खिलाफ आ, उस रिपोर्टर समेत तमाम लोगों को लीगल नोटिस भिजवाए लीगल नोटिस के बाद माफियों का सिलसिला शुरू हुआ कुछ रोज कबल आ, ये खबर भी आई कि उसी निजी चैनल की इंतज़ामिया ने इस रिपोर्टर को इस अमल के बाद नौकरी से निकाल दिया ये बात वाज करने ज़रूरी है कि मैंने उस टीवी चैनल के मालिक को कोई धमकी नहीं दी जो कि एक झूठी बात फिर से फैलाई जा रही है इस माफी के सिलसिले के बाद मैं समझती हूँ कि इस किस्से को यही दफन करने की ज़रूरत है इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं मैं उस पर जाने से पहले જરા દો દો આપ જરા એ ઇંજ करके જરા થોડા જ જ કાલ દે મેચ دوبارہ ઇસતે ગલ કરી હે ના મતલબ જો કુછ હુઆ હે હમારે સાથ વાત યે હે કે મે ના કલ જબ મેચ શુરુ ہوا તો મેરા તો તા કલ રાત કો શો તો મે તો કહુંગા કે મેરી ખુશકિસ્મતી થી કે મેને શામ કો 7 બજે બાદ મેચ દેખના છોડ દિયા થા ક્યોકી તબ તક બહોત બુરી હાલત હો ચુકી હી થી વૈસે બારિશ ભી બીચ મેં હોઈ થી લેકિન વૈસી બડી બુરી હાલત હો ગઈ થી જીતે કો કટ પડ ચુકી હી થી ઉસકે બાદ મેને મેચ દેખના છોડ દિયા થા और अब मैं बड़े इतमान और सुकून से कह सकता हूँ कि शुक्र है मैं मैच नहीं देखे और वो स्कोर तो खैर आ रहा था हमारे पास लेकिन देखा नहीं मैंने मैच लेकिन बड़ा ही अफसोस हुआ जिस जिस तरह रेत की दीवार बन के जो है पाकिस्तान टीम गिरी है मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक फाइट बैक तो होगा लेकिन मुझे ये लगता है कि स्कोर इतना ज़्यादा था साढ़े तीन सौ से जब आप स्कोर टप जाए ना तो फिर उसके बाद आपका वैसी मुरॉल डाउन हो जाता है कि भाई जान ऐत नहीं हो सकता जबकि होना नहीं चाहिए आप यूनी यू शुड फाइट इट आउट लेकिन बिल्कुल मतलब अगर बाबर आजम दस पे आउट हो रहा है इमाम हक जो है वो नौ पे आउट हो रहा है और दीगर भी जो बाकी टीम के हाल थे तू चल में आया तू चल में आया मतलब ये वाली सूरत हाल चल रही थी तो इससे पता लगता है कि साइकोलॉजिकली कितनी पाकिस्तान टीम जो है अंडर प्रेशर आ चुकी हुई थी अब मेरे ख्याल में इनको पंप करने की जरूरत है और दूसरा मुझे एक चीज़ का जो ज्यादा है वो ये है कि इन लोगों के दिमागों के अंदर ना पिछले चार पाँच जो मैचेज हुए थे ना इनके दिमागों में आ गया था कि असी से ही कोई नहीं असी से पाट लाएंगे कोई इशू नहीं है मतलब हम तो बल्ले बल्ले चल रही है ना कोई मसला ही नहीं है सो so, एक जिसे कहते हैं ना एक रियलिटी चेक करना और पाकिस्तान के लिए अगर टूर्नामेंट के शुरू के मैचेस में आ जाया करें ना और उसके बाद पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाए तो ये बेहतर होता है अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें एक आधी चपेट एक आधा मुक्का पहले ही पै जाए ना साढ़े मुंडियानू तो फिर ये फाइनल में जाके ना बेहतर खेलते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि यार हमने नीचे जो है ना वो हमारी हम ये कौम की हमारी दुआओं से ही जाते हैं फाइनल के अंदर आप हाँ अक्सर उठा के देख लें हमारी दुआओं से जाते हैं वरना ये कसर कोई नहीं छोड़ते कि ये ना पहुंचे फाइनल में लेकिन हम लोग दुआएं कर करके करके कर करके -कर -कर धक्के दे दे के इनको फाइनल में पहुंचाते हैं तो अभी भी इन शह मेरे मुझे लगता है यही सूरत हाल होगी और दुआ कीजिए दुआएं वही दोबारा दुआओं की जरूरत है कि अब जब ये फाइनल के अंदर पहुंचे तो फिर ये अच्छी कारकरदगी दिखाएं पहले तो खैर अभी और भी मैचेस हैं पहले वो जरा कंप्लीट हो जाए फिर अल्लाह करे कि बेहतर परफॉर्मेंस हो आए जी दीगर खबरों की तरफ आर एफ अलवी साहब के हवाले से जनाब कल एक शोशा शोशा या खबर पता नहीं मैं जो भी सीखूँ ये स्टार्ट हुआ बेसिकली कामरान शाहिद साहब ने सबसे पहले ये खबर दी दुनिया के ऊपर कि जी आर एफ अलवी साहब किसी वक्त भी जो है ये अभी आ, थोड़ी देर में या अभी जो है वो इलेक्शन की डेट देने लगे अच्छा अब उन्होंने जब ये खबर दी तो तमाम चैनल्स के ऊपर जो है वो ज़ाहिर बात है थरसली मच गई दीगर चैनल्स ने भी फिर रिपोर्ट करना शुरू किया कि हाँ ये फैक्ट है आर एफ अलवी साहब जो है वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं और किसी वक्त भी इसका ऐलान कर सकते हैं कल रात को तकरीबन 12 बजे तक तो ये डेट नहीं आई मतलब ये डेट अभी तक नहीं आई है आ, और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट ऑफली आप सुबह के वक्त देख रहे हैं मेरे ख्याल में अभी तक भी ये डेट नहीं आई सो अब आई डोंट नो ये डेट आती कब है लेकिन उनका ये कहना था कि भाई किसी वक्त भी जो है वो डेट का ऐलान किया जा सकता है तो अब कल जो है उनसे निगरान जो वजीर कानून थे उनकी भी मुलाकात हुई है लेकिन अभी तक फिलहाल डेट का जो है ऐलान अभी तक नहीं हुआ अब देखते हैं इस पर क्या होता है इसके अलावा जनाब निगरा निगरान वजी अजम अनवर काकड़ साहब ने दुनिया न्यूज़ में एक इंटरव्यू दिया है शामी साहब को और अजमल जामी साहब को उसमें उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट ने कानून पास किया है कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार दिया गया है हमारा अतदार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं है जयाओलाख साहब भी वैसे यही कहते थे मुल्की मफाद में मुआशी और सियासी फैसले किए जा रहे हैं बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्शन के बाद भी इस्तेकाम नहीं आएगा तो क्या हम इलेक्शन की तरफ ना जाएं सियासी इस्तेकाम के साथ यकसा होकर चलना पड़ेगा नौ मई के जलाओ घिराव को आलमी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया नौ मई के वाक्यात में तो मुलविस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है आइनों कानून के मुताबिक तमाम शहरी बराबर हैं किसी भी सियासी जमात पर कोई कदगन नहीं नवाज शरीफ की आमद बारे नहीं पता कब मुल्क आएंगे नवाज शरीफ तीन मरतबा वजी अजम रह चुके हैं मुवजा कवानीन के तहत अगर उन्हें कोई प्रवलेज हासिल तो मिलेगी नवाज़ शरीफ का मामला अदालतों के सपुर कवानीन के तहत ही रवैया इख्तियार किया जाएगा तो निगरान वजीरे आ, वजीर अज़म उन्होंने ये फरमाया इसके अलावा अताउला तावड़ा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने इस बात का एतराज़ किया है कि जी सदर ममलिकत जो है, वो अब निगरान बेसिकली हुकूमत निगरां सदर बन चुके हैं या आ, वो अबूरी सदर हैं जब तक अगले सदर का इंतख्य नहीं होता तो ये तो वैसी डेट नहीं दे सकते उन्होंने ये एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उठाया है आ, इसके अलावा आज जनाब एक सौ नब्बे मिलियन पाउंड केस वो जो अलकादे ट्रस्ट केस है उसमें सबक विफाक़ी वजीर शेख रशीद साहब को भी आज बुलाया गया है और सुबह साढ़े नौ बजे उन्हें ज़ातीय हैसियत में पेश होने का हुक्म जारी किया जा चुका है आ, और उनसे कहा है जी मुतल दस्तावेज़ा भी जो है वो जरा साहते करें अब देखते हैं कि शेख साहब जो है वो आज नैब आते हैं या नहीं आते इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट ने जनाब आई जी इस्लाम आबाद के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए अदालत ने सेशन जज इस्लाम आबाद को અમલ દરાવત કરવાને કી હિદાયત ભી જારી કર દી. અદાલત ને આઈએજી اسلام آباد કે ખિલાફ અદાલતી હુકમ કે બાવજોદ پیش ના હોને પર વોરંટ ગિરફતારી જારી કીયે હે જસ્ટિસ મિર્ઝા વકાસ રુફ ને પ્રવેઝ ઇલાહી કે એલિયા કૈસા ઇલાહી કી ઇદખવાર પર યે તહરીરી ફેસલા જારી કિયા હે. અબ ઇસકે ઉપર મતલબ ચંદ તઝિયાકાર યે કહે રહે હે કાનૂની માહિરિન યે કહે રહે હે કે જી لاہور હાઈકોર્ટ એક્ચ્યુઅલી اسلام آباد કે આઈએજી કે વોરંટ ગિરફતારી કિસ તરહ જારી કર સકતે હે આપકી જ્યુરિસ્ડિક્શન કે અંદર યે ચીઝ નહીં આતી. अब मुझे नहीं पता मैं आई एम नॉट अ लॉयर मैं इसके ऊपर कॉमेंट नहीं कर सकता कि आती है या नहीं आती बहरहाल लाहौर हाईकोर्ट ने काम डाल दिया है उन्होंने कहा भाई जान गिरफ्तार कर लो आई जी इस्लामाद में गिरफ्तार कर लो अब देखें इस पर क्या होता है इसके अलावा तहरीकन साहब के रहनुमा और इन ए एक सौ सतावन बिहाड़ी से कौमी असम्बली के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीकन साहब के मियाँ अफजल करीम उन्होंने जनाब पी टी आई से लहदगी का ऐलान कर दिया है और अब जाके यानी बारह सितंबर को नौ मई के वाक़े की मजम्मत की है उन्होंने उनको वो नहीं पता था कि इस तरह का वाक्य हुआ है सो रहे थे शायद किसी ने उठाया नहीं था तो उन्होंने कहा पाइन उठ जाओ नौ मई हो गया ये तो वो उन्होंने कहा चाहो वो ठहरा जल्दी बुलाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो मैं मजम्मत करनी है तो उन्होंने नौ मई की मजम्मत कर दी है भाई और उन्होंने पाकिस्तान और पाक फौज के साथ को उन्होंने कहा जी नौ मई को, को नुकसान पहुँचाया गया है पाकिस्तान है तो हम है फौज है तो पाकिस्तान है तहरीक इन से अलीहदगी का ऐलान करता हूँ गैर मुइना मुद्र के लिए सियासत सेहदगी का एलान करता हूँ आइंदा सियासी मस्तबिल का फ़ैसला मुशावरत से करूँगा और शायद ये सब कुछ इन्होंने खुद लिखा था शायद मुझे नहीं पता मैं शायद कह सकता हूँ क्योंकि बिल्कुल यही लाइने हर बंदा ही बोलता है वो मैं मैसेज ही चेंज कर लो थोड़ा जा दो चार लाइनें होते थली कर लो सारे एक ही मैसेज पड़ी जा रहे हैं इसके अलावा जनाब रेहान खान साहिबा ने पंजाबी फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है उन्होंने इस हवाले से पंजाबी में अपना वीडियो बयान भी जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है जी मैं फिल्म बना रही हूँ फिल्म का नाम है चीमा चट्टा और बाजवा और उम्मीद है ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी तो चीमा चट्ठा और बाजवा वैसे अगर मैं होता तो मैं मतलब मैं अगर फिल्म का नाम रखता ना तो मैं रखता आ, खान शरीफ और बाजवा मतलब ये बड़ा ज़बरदस्त नाम होता खान शरीफ और बाजवा या शरीफ खान और बाजवा ये आ, इस तरह बड़े बड़े बहरहाल चलो ठीक है बाजवा का नाम डाल दिया ना वो फिल्म हिट हो जाएगी <laughs> आगे चलें जी इसके अलावा जनाब आ, एक और ख़बर के मुताबिक कल उम्रता बंदयाल साहब के लिए जनाब अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट की तकरीब हुई उससे उन्होंने खिताब किया उन्होंने कहा बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से ख़िताब कर रहा हूँ गुजशत साल इस तकरीब में अदालत की एक साल कारकर्दगी में रोशनी डाली थी एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड तेईस हज़ार मुकदमा निपटाए हैं जेरअलतवा मुकदमा की तादाद में दो हज़ार की कमी ही कर सके सख्त इम्तहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी जो वाक़त पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता लेकिन इससे अदालती कार मुतािर हुई उन्होंने कहा कि सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के तौर पर बहुत सी उम्मीदें लेकर जा रहा हूँ उम्मीद हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया है हम में से किसी ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इतखबा नबे दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया मुश्किल इसलिए पेश आई कि एक सियासी लड़ाई थी अदालत की जिम्मेदारी ये बताना है कि आइन क्या कहता है अदालत की भी कुछ आईनी हदूद है जिनके पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नंबर चार बटा दो हजार इक्कीस में खुद नोटिस के तरीकाकार को वाजे किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान उबरता बंदयाल ने कहा कि शदीद तनकीद के बावजूद इस साल के नौ माह में सिर्फ एक अस खुद नोटिस लिया उम्मीद है कि मेरे काबिल जा, जानशीन अस खुद नोटिस के मामले में बेहतर मेकनिजम बनाएंगे उनका कहना है कि मेरे मासूमाना रिमार्क को तंजिया बयान के तौर पर पेश किया गया जब मैंने कहा गुड टू सी यू तो उसे गलत रिपोर्ट किया गया हालांकि मैं हर एक को गुड टू सी यू कहता हूँ दुआ है कि मुल्क में इस्तेकाम है जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा तो अदलिया समेत हर इदारा मुस्कम होगा चीफ जस्टिस ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट पर अरबों रुपए का डैम फंड रखने का इल्ज़ाम लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की जाने से डैम फंड कायम किया गया था यह फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है डैम फंड में अगस्त दो में चार लाख रुपये का इजाफा हुआ अगस्त में भी फंड में रकम आने का मतलब अवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है चार लाख रुपए के इजाफे की वजह से ठीक है अगस्त में भी फंड आ, आ, डैम फंड के अठारह आशर छः अरब रुपए सरकारी बैंक के जरिए स्टेट बैंक में इन्वेस्ट किए गए हैं डैम फंड की निगरानी सुप्रीम कोर्ट का पांच रुपये बेंच कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक डैम फंड तब तक काबिल अमल नहीं हो सकता जब तक ठोस इकदाम ना किए जाए उन्होंने कहा कि जी खातन जजेस के आने से सुप्रीम कोर्ट मज़ीद मजबूत हुई है अदालत उसमा के इंतजामी उहदों पर भी खवीन का इजाफा हुआ सुप्रीम कोर्ट की खातून तर्जुमान मीडिया को बेहतरीन तरीके से लेकर चली उम्मीद है कि मीडिया के साथियों को कोई गिला नहीं होगा दुरुस्त रिपोर्टिंग पर मीडिया का खैर मकदम और गलत रिपोर्टिंग पर दरगुजर करते हैं उन्होंने कहा कि अपने तमाम साथी जजे का मशगून हूँ जब आज़ाद दमाग मिलते हैं तभी अख्तलाफ राय सामने आता है उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मज़ीद मजबूत बा और आज़ाद होगी मैंने ना सिर्फ इतफाक राय बल्कि अख्तलाफ राय से बहुत कुछ सीखा है तो अलविदा तकरीब में उन्होंने कहा कि बिला मेरे भाई जस्टिस काजी फाइज इसका काबिल तारीफ़ हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज मेरे लिए बहुत मतबर है शायद इसीलिए मैं उनको ज़्यादातर बेंचों में नहीं रखता था <laughs> उस पर इस मौके पर जी न्यूज़ के सहाफ़ीनी चीफ जस्टिस से पूछा कि क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं तो उन्होंने कहा मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि आज वाला रेफरेंस काफ़ी नहीं है एक ही शख्स को सुन सुनकर बोर हो जाएंगे तो जस्टिस काजी फाइजीसा से उसके बाद रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या चीफ जस्टिस को फुल को रेफरेंस दिया जा रहा है फाइजीसा साहब ने कहा कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं जैसे पता चलेगा बता देंगे वैसे उन्होंने आज तकी में तो कहा है कि शायद ये उनका आखिरी खिताब है जराए का कहना है कि अदालती रवायत के मुताबिक जुमरात को नामजद चीफ जस्टिस तमाम जजेस को इशाइया देंगे जिसमें सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उम्रता बद्याल को भी मदू किया गया है इसके अलावा जनाब वाशिंगटन पोस्ट के अंदर जो है वो एक ख़बर आई परसों और वो थी आ, पाकिस्तान में अमरीका के सफीर सबक सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन उनके हवाले से ये एक ख़बर आई खबर काफ़ी तफसीली है लेकिन मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके जो मैं आपको बताना चाहूँगा उनके खिलाफ बेसिकली वहाँ की एफ बी आई जो है वो तहकीकत कर रही है और तहकीकत कर रही थी बल्कि और मामला ये था उनके खिलाफ तहकीक़त अच्छा इस स्टोरी के अंदर ये बताया गया है कि मामला ये था कि आ, उन्होंने दुबई के अमीर की जानब से अपनी सास को साठ हज़ार डॉलर के हीरे जेवरात के तौर पे दिए जाने की इतला नहीं दी थी कि जी आ, इनको इनकी सास को दुबई के एक अमीर की जानब से गिफ्ट दिया गया एक ये इशू है एक और इशू जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जब वो यहाँ पर सफ़ीर थे तो पाकिस्तान में काम करने वाली एक सहाफ़ी खातून उनके साथ बताया गया है कि जी उनके गैर इसदवाजी ताल्लुक थे अफेयर मतलब अगर मैं ये लफ्ज आसान लफाज में कहूँ तो उनके साथ उनका अपेरेंटली कोई अफेयर चल रहा था आ, इसके बारे में और उनकी जो मुलाकातें थीं उस हवाले से भी उन्होंने जो आ, बेसिकली एक सी आई सी आई ए का स्टेशन चीफ होता है हर एमबसी के अंदर जहाँ जहाँ पे आपकी एमबसी होती है उसके हवाले से भी उन्होंने इतलाह नहीं दी थी कि जी मेरा अच्छा वो शादीशुदा थे ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो शादीशुदा थे लेकिन ये एक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो उस वक्त इनका चल रहा था तो उन्होंने एक अमरीकी ताजर के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ट्यूशन बिलों में पच्चीस हजार डॉलर अदा करने का इंतजाम भी कराया था ठीक है और वो भी एक बेसिकली कोलंबिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के अंदर पढ़ने के लिए तो पेमेंट किसी और ने की थी और आ, वो बेसिकली कोई पाकिस्तानी ताजर था जिसकी जानब से जो है वो ये पेमेंट की गई और इससे ये भी पता लगता है कि जी उनकी जो लव लाइफ थी वो बड़ी पचीदा थी और इसकी वजह से बेसिकली मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ जाहिर बात हरे हरे की है तो एक ज़ाती ज़िंदगी लेकिन ये जो, जो हाई सिक्योरिटी जॉब्स होती हैं ना जिस तरह एम्बेसडर हो गए जासूस हो गए फौज के अफसरान हो गए जो इस किस्म के क्रिटिकल जगहों के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं वो इस पहली बात तो उनको अवॉइड करना चाहिए इन चीजों में इन्वॉल्व होना क्योंकि एक चीज होती है जिसे कहते हैं हनी ट्रैप मैं ये नहीं कह रहा ये कि हनी ट्रैप का था लेकिन हनी ट्रैप में क्या होता है कि बड़े अहम उदों के ऊपर बैठे हुए जो लोग होते हैं उनको दूसरे मुल्कों की जो एजेंसीज होती हैं वो खौतन के जरिए ट्रैप करवाते हैं और फिर जब वो ट्रैप हो जाते हैं तो फिर उनसे या तो राज उगलवाते हैं या उनको ब्लैकमेल किया जाता है इसलिए इनको कहा जाता है कि जी आप रिपोर्ट करें अगर आपका कोई इस तरह का चक्कर है भी तो प्लीज रिपोर्ट कर दें ताकि वहाँ के आपका जो लोकल सिक्योरिटी चीफ़ है उससे पता हो इन्होंने सही तरह ये सारी डिटेल्स जो हैं वो शेयर नहीं की और ये बाद में जाके पता लगा कि ये सारा कुछ हो रहा है अबतः इसी ख़बर के अंदर ये भी बताया गया है कि उसी खातून से वो जो पाकिस्तानी सहाफ़ी है उसके साथ बाद में इनकी शादी भी होगी और वो मैंने चेक किया है वो उस खातून के बारे में वो ख़ातून जो है वो पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अखबार के लिए, लिए लिखती हैं और आप हालिया जो है वो दौर तक तो लिख रही थी और पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर वेबसाइट है आ, मतलब वेब चैनल आप उसको कह सकते हैं ये उसके साथ भी वाबस्ता है तो नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझता मेरे ख्याल में रहने ही दें लेकिन ये बेसिकली रिचर्ड ऑल्सन के हवाले से ये स्टोरी है और आज बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ ये जो तहकीकत हो रही थी और ये जो केस चल रहा था ये कहा जा रहा है कि उनको हो सकता है छः माह की सज़ा जो है वो आज सुना दी जाए ये अब तक की अपडेट्स थी इन अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़